नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। एमपी में 1,75,000 लोगों का सपना साकार। पीएम मोदी ने सौंपी घर की चाबियां। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिले लाखों को घर। प्रदेश के श्रमिक वर्गों के लिए बनाए गए हैं घर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने घरों की सौंपी चाबियां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने खोले पत्ते। प्रेमचंद गुड्डू, सुशील शर्मा समेत 15 उम्मीदवारों की सूची जारी। पोहरी और करारा विधानसभा को बड़ी सौगात। सीएम शिवराज ने दी 300 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। अपने संबोधन में कमलनाथ पर जमकर गरजे शिवराज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगा आरोप। कहा बेटियों की शादी का पैसा खा गए हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट। रिकॉर्ड 2,240 मरीजों की पुष्टि। अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 83,609। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर मुरैना से आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुरैना दौरा है आज। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे मौजूद। मुरैना में 306 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा सांसद सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुरैना दौरे पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना दौरे पर हैं आज। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे मौजूद। मुरैना में 306 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा सांसद सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुरैना दौरे पर। मध्य प्रदेश में 1,75,000 लोगों का सपना आज पूरा हो गया। पीएम मोदी ने इन लोगों को घर की चाबियां सौंप दी। प्रदेश के श्रमिक वर्गों के लिए ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को घर की चाबियां सौंपी। 1,75,000 लोगों का सपना साकार। एमपी में पीएम मोदी ने सौंपी घर की चाबियां। प्रदेश के श्रमिक वर्गों के लिए बनाए गए हैं घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले लाखों को घर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घरों की सौंपी चाबियां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में आज 1,75,000 लोगों का सपना पूरा हो गया। पीएम मोदी ने आज इन लोगों को घरों की चाबियां सौंप दी। प्रदेश के श्रमिक वर्गों के लिए ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को घरों की चाबियां सौंप दी। बता दें कि पीएम मोदी ने वर्ष 2022 तक सभी जरूरतमंदों को घर उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की थी। आज अपना पक्का घर मिला है, अपने सपनों का घर मिला है, अपने बच्चों के भविष्य का एक नया विश्वास आपके मन में पैदा हुआ है। अब मध्य प्रदेश के 2.25 लाख ऐसे परिवार जो आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका गृह प्रवेश हो रहा है, उन सभी को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये सभी साथी टेक्नोलॉजी के किसी न किसी माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आज आप देश के उन 2.25 करोड़ परिवारों में शामिल हो गए हैं जिन्हें बीते 6 वर्षों में अपना घर मिला है। मध्य प्रदेश की जनता आज आनंद और प्रसन्नता के साथ प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। आज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए 16,440 ग्राम पंचायतों में और 26,548 ग्रामों में
ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अभी तक 1,24,92,394 प्री रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। हम समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश आज कितना प्रफुल्लित है और कितना प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के सपने को साकार किया है। किसी ने कहा है, फूल मेरा साख मेरी और सजर मेरा भी हो, मेरा हक है इस जमीन पर एक घर मेरा भी हो। इस योजना के तहत अब तक देश भर में करीब 1,14,00,000 घर बनाए जा चुके हैं। अकेले मध्य प्रदेश में ही अब तक 17,00,000 गरीब परिवारों को इस स्कीम का फायदा मिल चुका है। ये ऐसे परिवार थे जिनके पास अपना घर नहीं था। इस स्कीम में हर लाभार्थी को 1,20,000 रुपए का नकदी सरकारी ग्रांट मिलता है, जिसमें 60% केंद्र से जाता है और 40% राज्य की ओर से दिया जाता है। इस योजना के तहत पूरे देश में 2022 तक 2,95,00,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के 1,75,000 लोगों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम सवेरे 11 बजे शुरू हुआ, जिसमें पीएम मोदी के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इंदौर जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल से युवती के छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया। युवती को छलांग लगाते देख कर्मचारी उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन रोक नहीं पाए, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में युवती के पति की आत्महत्या की भी बात सामने आ रही है। मॉल में छलांग लगाने वाली युवती का नाम सोनिया है, वो पेशे से डॉक्टर है। बताया जा रहा है कि सोनिया की 15 दिन पहले ही शुभम खंडेलवाल से शादी हुई थी। शुभम की 2 दिन पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस शुभम की मौत की जांच एक्सीडेंट के एंगल से ही कर रही थी, लेकिन उसकी जेब से मिले सुसाइड नोट के बाद पता लगा कि उसे जहर खाकर आत्महत्या की है। पिताजी के नंबर मिले और मोबाइल था, तो उसके पिताजी को सूचना दे दी, तो वो एयरपोर्ट पे थे, वहाँ से बुलाया उनको, वो एलआईजी तो आ गए हैं जी जी, उनकी बच्ची से मिल लिए है। वो क्या रहा है पूरा, मतलब कुछ जानकारी आई है कि बच्ची ने क्यों कूदी है या क्या? बच्ची की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी शुभम खंडेलवाल से, उज्जैन निवासी उज्जैन। तो पता चला है कि परसों एक्सीडेंट में उसका भी निधन हो गया है जी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 15 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों को मैदान पर उतार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविंद्र सिंह तोमर, सत्यप्रकाश समेत 15 दिग्गजों के नाम पर मुहर लगा दी है। सोनिया से हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 15 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों को मैदान पर उतार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविंद्र सिंह तोमर, सत्यप्रकाश समेत 15 दिग्गजों के नाम पर मुहर लगा दी है। सोनिया से हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी है। ये है कांग्रेस के प्रत्याशी। दिमनी विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह तोमर, अंबा सीट से सत्यप्रकाश, गोहद सीट से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, करैरा सीट से प्रागीलाल जाटव, भांडेर से फूल सिंह बरैया, बमोरी से कन्हैया लाल, अशोकनगर से आशा दोहरे, अनूपपुर से विश्वनाथ, सांची से मदन लाल चौधरी, आगर से विपिन वानखेड़े, हाट पिपिलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर से रामकिशन, सांवेर से प्रेमचंद्र गुड्डू, करैरा सीट से कांग्रेस ने प्रागीलाल जाटव को उतारा है। उसको लेकर लोगों का कहना है कि और हमारी ये उम्मीद है कि हमारे जो क्षेत्र से उपचुनाव से जसवंत जाटव विधायक जी हैं,
उनकी 100 में से 100% जीत है, क्योंकि जीत उनकी नहीं, उन्हें काम करवाए हैं, विकास कार्य करवाए उन्हें, जिनके लिए मैं अगर वर्णन करूं तो समय कम मिलेगा। 100 से ज़्यादा मेरे पास उपलब्धियां हैं हर क्षेत्र में। तो वो उसमें जी हो जाता है कि कुछ पता ही नहीं चल पाता कि क्या होना है कुछ, अब कुछ जानकारी पूछते तो बताते भी तो नहीं है कुछ भी, जैसे हम कुछ पूछे तो वो अभी भी मतलब बताने को तैयार नहीं रहते, तो जानकारी का कुछ पता ही नहीं चल पाता कि कब कौन सी जानकारी आ रही है क्या नहीं आ रही। गाँव के सदस्यों को पता तो चलना चाहिए थोड़ा बहुत। 1.5 साल जो कमलनाथ की सरकार में सिंधिया जी के चेहरे पे जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, चेहरा किसी और का दिखाया, सरकार में मुख्यमंत्री किसी और को बनाया, 1.5 साल हमारे यहाँ विकास रुक गया। उम्मीदें तो हैं हमारे, मतलब देश का विकास होना चाहिए, पानी की सुविधा है, और भी जैसे हमारे देश में नगर पालिका नहीं है, ग्राम पंचायत है, वो भी होने चाहिए। कांग्रेस से पहले बीएसपी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बीएसपी ने जौरा सीट से पूर्व विधायक सोनीराम कुशवाहा को टिकट दिया। वहीं मुरैना से राम प्रकाश राजौरिया, अम्बा से भानु प्रताप सिंह सखवार, मेघाव से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, गोहद से जसवंत पटवारी, डबरा से संतोष गौड़, पोहरी से कैलाश कुशवाहा, करेरा से राजेंद्र जाटव को मैदान में उतारा है। बहरहाल कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। अब देखना होगा आखिर कब तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सिलवानी में क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने सिलवानी पंचायत परिसर में आयोजित समारोह में 2,12,00,000 के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की तारीफ कर पंद्रहवाह के कांग्रेस सरकार के कार्यों की आलोचना की। यहां पर आमजन की समस्याओं को सुनकर अफसरों को निराकरण के निर्देश दिए। क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत जनपद पंचायत परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। छिंदवाड़ा में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर के होलसेल और रिटेल व्यापारियों ने 13 से 20 सितंबर तक स्वेच्छा से अपना व्यवसाय बंद करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अलग अलग व्यापारी संगठनों ने एक दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से दुकानें बंद रखनी है, ये नहीं इसके लिए प्रस्ताव रखते हुए बहुमत रखा था। संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए सभी व्यापारी ने 13 से 20 सितंबर तक दुकान बंद रखने का सर्वसम्मान से निर्णय लिया। स्वैच्छिक बंद के प्रस्ताव की बहुमत मिलने के बाद व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों की दीनदयाल रसोई में बैठक रखते हुए शहर में दुकान बंद रखने पर अपनी सहमति दी है। वहीं शहर के सराफा व्यापारी ने भी अपनी सहमति से दुकानें बंद रखने की बात कही। संक्रमित काल को देखते हुए सभी सराफा व्यापारियों ने तय किया है कि सराफा की दुकानें 9 दिनों के लिए हम बंद रखें, 11 से 19 तारीख तक बंद रखें। अनूपपुर में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पिकअप और कार में रखे गांजे को बरामद किया। वहीं गांजे की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। करीब 3 क्विंटल गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में 2 आरोपी पप्पू और राजेश दोनों अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी पता साजी की जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अभी तक अनूपपुर के मादक पदार्थ की कार्रवाई इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं की गई। जिले के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अशोकनगर में पलक पावड़े बिछाकर श्री राम शिला शोभा यात्रा के श्रद्धालुओं ने अगवानी के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचते ही शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा विधानसभा के क्षेत्र ग्राम हिनौदा, मुल्ला खेड़ी, उमरिया, जसवंत नगर, बरखेड़ा, चौगी, चखनेरी, पथरिया, उढ़ुरू, पीपलखेड़ा, हिनौतिया पहुंची, जहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और लोगों ने बड़े ही श्रद्धाभाव से शोभा यात्रा की अगवानी की। इसके बाद श्री राम शिला का घर पूजन अर्चन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचते ही प्रत्येक गांव में भव्य कलश यात्रा के साथ रामशिला यात्रा निकाली गई, जो कि मंदिरों पर पहुंची, जहां सुंदर कांड पाठ के साथ विधि विधान के साथ शिला का पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक के छोटे भाई सीता सिंह ने कन्या पूजन किया एवं मंदिर के पुजारियों का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। जहां एक तरफ सरकार विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देपालपुर की एक घटना ने इनके दावों की पोल खोल दी है। दरअसल मामला देपालपुर के
चटवाड़ा गांव की है, जहां पर दलित समाज के लोगों ने बारिश में सड़क पर महिला की लाश को देखकर प्रदर्शन किया। बता दें कि देपालपुर में एक शमशान घाट तक रही, वहीं निजी कही जाने वाली एक शमशान में जब लोग महिला का शव जलाने गए तो दबंगों ने उन्हें जलाने से रोक दिया, जिसके बाद भड़के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं लोगों ने जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की। अब सवाल यह है कि प्रशासन की तरफ से दलितों की समस्या का समाधान कब तक निकलेगा। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की अवैध उत्खनन को लेकर निकाली जा रही यात्रा के समापन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यात्रा का नहीं कांग्रेस का ही समापन होने जा रहा है। वहीं सारंग ने कहा कि जो खुद अवैध उत्खनन वक्र रहे थे वही यात्रा खुद भी कर रहे हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद अब दलाली हफ्ता वसूली बंद हो गई है, इससे यात्रा निकाल रहे हैं। इसके सभी प्रपंचों को अब जनता समझ चुकी है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस अपने शासनकाल में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन किसी भी रोजगार को भत्ता नहीं दिया गया। अनुशासन सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही इस समाज को चलाना होगा, इस हम सबको अपने जीवन को जीना होगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी के का संकट पूरे दुनिया में है, देश में है, मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, परंतु ये एक ऐसी महामारी है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता हमें अनुशासन सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही इस समाज को चलाना होगा, इस हम सबको अपने जीवन को जीना होगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना संकट की हर समस्या से निपटने को तैयार है। राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाना इलाके में एक नाबालिग किशोरी के साथ वनचले युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। आरोपी की पहले नंचले युवक ने किशोरी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती की, उसके बाद उसे अपनी मनगढ़ंत कहानियों में उलझाकर अपने दोस्त के घर ले जाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। किशोरी के प्रेग्नेंट होने के बाद पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो किशोरी के परिजनों ने थाना हनुमानगंज पहुंचकर मामला दर्ज कराया। हनुमानगंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म बॉक्सर एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। नाबालिग लड़की की रिपोर्ट पर जो है कुणाल मिश्रा नामक युवक के विरुद्ध जो है 376 पास्को एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जो नाबालिग बच्ची की दोस्ती इंस्टाग्राम पर उस लड़के से हुई थी और आरोपी के द्वारा उससे दोस्ती करके जो है फिर उसको बेला फुसला के जो है घोड़ा नक्काश पे किसी दोस्त के घर लाया गया था और वहाँ उसके साथ घटना कारित की गई थी। 5 महीने बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई तो वो अपना डॉक्टर के यहाँ गई थी, जहाँ उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद उसने जो है प्रकरण पंजीबद्ध कराया। दमोह जिले में इस समय खाकी वर्दी सुर्खियों में बनी है, फिर चाहे मजदूरों को बंद लॉकअप में मारपीट का मामला हो या फिर बेनामी से सिर के बाल पकड़कर घसीटने का मामला। दमोह पुलिस की बर्बरता की एक हफ्ते में दूसरी तस्वीर सामने आई, जहां पर वीडियो में प्रदेश की पुलिस ऐसी बदनुमा तस्वीर पेश कर रही है जिसे देखकर आप भी परेशान हो सकते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये सब समाज में कतई बर्दाश्त नहीं की जा रही। शिवराज सिंह चौहान की अब पुलिस अपनी बर्बरता के सारी हदें पार करती जा रही है। दमोह पुलिस पर फिर लगा बदनुमा दाग का वीडियो मध्य प्रदेश की पुलिस पर सवालिया निशान लगाने के लिए काफी था। मामला दमोह जिले के जिला अस्पताल का था, जब अस्पताल के एक हॉल में एक शराबी जमकर हंगामा कर रहा था, जिसकी शिकायत कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचकर पुलिस चौकी में की। अस्पताल चौकी में पदस्थ आरक्षक शैलेंद्र सिंह अंदर पहुंचा और उसे बाल पकड़ कर घसीटना शुरू किया। इसकी खबर जिले के पुलिस कप्तान को लगी तो आरक्षक की इस हरकत पर उसे एडिशनल एसपी ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए। वायरल वीडियो देखते ही आरक्षक शैलेंद्र सिंह ने को निलंबित कर दिया गया। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का मुरैना दौरा है आज। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे साथ में मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुरैना में 306 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा सांसद सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुरैना दौरे पर मौजूद हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ से जुड़ चुके हैं। शुभम, मुरैना में 306 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, कितनी देर में पहुंचेंगे सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे। मैं बैठ के अभी स्पीच दे रहे हैं मैम। हेलो हेलो जी शुभम, आपकी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुरैना दौरा है आज, सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। मुरैना में 306 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम शिवराज। राज्यसभा सांसद सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुरैना दौरे पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुरैना दौरा है आज, सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुरैना दौरे पर। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल रहेंगे। मुरैना में 306 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा हरदा जिले से भोपाल राजधानी तक पैदल किसान दांडी यात्रा के उद्देश्य से कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा हरदा जिले के खिड़किया क्षेत्र के गांव चौकड़ी, लुधियाखेड़ी, छीपापड़, जटपुरा, सांगवा, सारंगपुर, बमनगांव, खिड़किया सहित अन्य गांवों में पहुंचकर किसान दांडी यात्रा जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में किसान भाइयों को शामिल होने की अपील की। किसान दांडी यात्रा को लेकर गांव गांव पहुंचे पदाधिकारी बता दें कि किसान भाइयों को शामिल होने की भी अपील की। और इसी बीच आपको उत्तराखंड से बड़ी खबर बता देते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा है आज, सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक। बैठक में कई विषयों पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की चर्चा। डीएम, एसएसपी, सीएमओ भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा है आज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक। बैठक में कई विषयों पर सीएम त्रिवेंद्र ने की चर्चा। डीएम, एसएसपी, सीएमओ भी बैठक में रहे मौजूद। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा है। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा है आज, सर्किट हाउस में सीएम त्रिवेंद्र ने बैठक की। तमाम अधिकारी मौजूद रहे, कई अहम विषयों पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने। बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखिए छत्तीसगढ़ सृष्टि शुक्ला के साथ।